स्वागत है मित्रों आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस पेट और दिल्ली पुलिस की लगातार तैयारी कर रहे हैं। उस क्रम में भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, उसका आज तीसरा दिन है और आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे या भारत के जो भारत के हिस्से हैं, बंटवारे हैं भौतिक रूप से, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा भारत के भौतिक प्रदेश। देखिए भारत के भौतिक प्रदेश को हम लोग छह भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से अगर हम पहली बात करें तो पहला है उत्तरी पर्वतीय भाग जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर का। दूसरा भाग है उत्तर का मैदानी भाग। जो है लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर का। तीसरा भाग है पश्चिमी मरुस्थल, जो है लगभग 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर का। चौथा हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार का। और ये हिस्सा है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर का। इसके अलावा तटीय मैदान है, और द्वीप समूह है, इस तरह छह हिस्सों में बटा हुआ है हमारा भारत। अगर हम लोग इसको चित्र के माध्यम से देखें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उत्तर पर्वतीय भाग की, और जो आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से व्याप्त है, और इधर फिर आपका पूर्वी प्रदेशों में होता हुआ ये हिस्सा जो है ये आपका शामिल है उत्तर के पर्वतीय भाग के अंतर्गत। ये उत्तर के पर्वतीय भाग के अंतर्गत जो मैंने बनाया है चित्र, ये है पहाड़ों वाला हिस्सा। इसके अलावा पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान वाला हिस्सा और थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा, ये है पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा वाला कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। काला वाला जो हिस्सा था वो था उत्तर पर्वतीय भाग, उत्तरी पर्वतीय भाग। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की, और प्रायद्वीपीय पठार कुछ इस टाइप से है जो मैं नीले रंग का बना रहा हूं। यह आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ये वाला हिस्सा आपका प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता, तो ये हिस्सा रहा प्रायद्वीपीय पठार।
तो आप तीन हिस्से बनाइएगा, चौथे हिस्सा अपने आप बन जाएगा जो कि बीच में छूट गया, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का मैदान, उत्तर के मैदान के अलावा ये रहा आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान और यहाँ पर आपके द्वीप समूह हैं, ये आपके द्वीप समूह। तो इस तरह हम लोगों ने भारत को छह हिस्सों में बांट दिया, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब हम लोग एक एक कर कर एक एक चीज का अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस सबको नोट कर लेना, ये महत्वपूर्ण है। अब किस हिस्से को ऊंचाई के आधार पर कैसे विभाजित करते हैं, इसको एक चित्र के माध्यम से, एक मानचित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं हम। बेटा ये रहा हमारा समुद्र तल, इस समुद्र तल से 150 से लेकर 300 मीटर की ऊंचाई का जो भाग होता है उसको कहा जाता है मैदान। इससे ऊपर 300 से लेकर 600 मीटर की ऊंचाई तक का जो भाग होता है उसको कहा जाता है पठार। और इस पठार से ऊपर बढ़ेंगे और 1000 मीटर की ऊंचाई तक का भाग कहलाएगा पहाड़ी। और यदि ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है तो उसको कहा जाएगा पर्वत, तो उसको कहा जाएगा पर्वत। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा रहा ये रहा समुद्र, ये रहा समुद्र। और इस समुद्र तल से, इस समुद्र तल से 150 से लेकर 300 मीटर, 150 से लेकर 300 मीटर की ऊंचाई जो होती है वो बनता है मैदान। और अगर 300 से लेकर 600 मीटर की जो ऊंचाई होती है तो बनता है पठार। और अगर हम 1000 मीटर तक की बात करें तो बनती है पहाड़ी। और अगर 1000 मीटर से अधिक की बात करें एक हजार मीटर से अगर हम लोग अधिक की बात करें तो बनता है बेटा पर्वत। तो ये विभाजन होता है कि क्या मैदान है, क्या पठार है, क्या पहाड़ी है और क्या पर्वत है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अन्य चीजों को समझते हैं। कई बार प्रश्न बेटा एक आता है कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, द्वीप किसे कहा जाता है, इन सब चीजों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ठीक है, तो प्रायद्वीप और द्वीप के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है बेटा कि प्रायद्वीप क्या चीज है, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। तो प्रायद्वीप एक ऐसा हिस्सा होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग जो जो तीन ओर से, जो तीन
ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बात करूं तो भारत का हम एक नक्शा लेते हैं और इस भारत के नक्शे के तहत तो इस भारत के नक्शे को अगर हम लोग देखें तो भारत के नक्शे का जो निचला हिस्सा होता है तो जो निचला हिस्सा होता है, जैसे हम लोग बात करें, देखिए ये हम लोग बात करते हैं नीचे के हिस्से की, लाल रंग से मैं बनाता हूं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है भारत का, बड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इधर आपका अरब सागर है, और नीचे आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर है, तो देखिए तीन ओर से जल से घिरा हुआ, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, तीसरी तरफ हिंद महासागर। तो तीन ओर से घिरा हुआ हिस्सा है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है, और कई बार दक्षिणी प्रायद्वीप भी कहा जाता है भारत के इस वाले हिस्से को। अब द्वीप किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है द्वीप, आइलैंड किसे कहा जाता है, जो चारों ओर से जल से घिरा। तो ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से या चार ओर से जल से घिरा हो, चारों ओर से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। तो ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन एंड द्वीप है, तो अंडमान निकोबार की स्थिति देखें तो कुछ लगभग ऐसा है, बीच में टुकड़े हैं, छोड़ दीजिए, ये क्या है, चारों ओर से जल से घिरा हो, चारों ओर से, तो ये क्या कहलाएगा, एक द्वीप कहलाएगा। यानी कि ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाएगा, द्वीप, जो तीन ओर से घिरा हो वो कहलाएगा प्रायद्वीप। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। ये जो पृथ्वी है बेटा, ये प्रारंभ में एक पूरा भूभाग था, एक पूरा भूभाग था, पूरा एक भूभाग था। इस भूभाग का नाम था पेंजिया। क्या नाम था, पेंजिया। और ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, महासागर से, चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ था। और ये जो महासागर था चारों ओर वाला, इसका नाम था पेंथालासा, पेंथा आसा। ठीक है, बहुत सारी विभाजनकारी शक्तियां सक्रिय हुई और ये पेंजिया दो हिस्सों में बट गया। ये जो पेंजिया था ये बेटा दो हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा कहलाया जो ऊपरी हिस्सा था वो कहलाया अंगारा लैंड। जैसे इसको दो हिस्सों में बांट दो तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ये कहलाया अंगारा लैंड, या इसको लोरेंसिया कहा जाता है, अंगारा ऊपर वाला हिस्सा, और जो नीचे वाला हिस्सा है
स्पेंजिया का नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, ये कहलाया गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने अगर हम लोग उसकी बात करें तो देखिए, एक तो उत्तरी अमेरिका बना, ऊपर ऊपर के तीन ले लीजिए, उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना, और एशिया बना। अगर गोंडवाना लैंड की बात करें तो एक तो दक्षिण अमेरिका बना, नीचे नीचे के देश, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका बना, दक्षिण अफ्रीका बना, अफ्रीका महाद्वीप कह लीजिएगा इसको, दक्षिण अफ्रीका मत कीजिएगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक देश का नाम हो जाएगा, अफ्रीका बना, ठीक है, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया बना, और भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा बना। अभी प्रायद्वीप क्या था मैंने आपको समझाया था, भारत का प्रायद्वीपीय भाग बना। भारत का प्रायद्वीपीय भाग बना। तो जो पेंजिया था ये बेटा दो हिस्सों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ, गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रायद्वीपीय भाग का निर्माण हुआ। अब इनके निर्माण के साथ ही भारत के पर्वतीय प्रदेश का निर्माण होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूँ। आप देखिए, हम लोगों ने देखा कि दो प्लेटें बनी हुई हैं, एक प्लेट जो ऊपर की ओर थी, इस प्लेट को कहा गया यूरेशियन प्लेट। क्या कहा गया बेटा? इसको कहा गया यूरेशियन प्लेट। ये हम लोग समझ रहे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। और एक दूसरी प्लेट थी, इसको कहा भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। जो यूरेशियन प्लेट थी बेटा, ये अंगारा लैंड का हिस्सा थी, और जो भारतीय प्लेट थी ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, ऐसा हम लोगों ने भी देखा। और इनके बीच में, इनके बीच में एक जल राशि पाई जाती थी जिसका नाम था टेथिस सागर। एक छिछला सागर था, अब सादों से भरा हुआ था, और इस सागर का नाम था टेथिस सागर। ये जो भारतीय प्लेट थी ये मूव कर रही थी यूरेशियन प्लेट की ओर। अब इस समुद्र में, इस सागर में भरा हुआ था गाद। क्या भरी हुई थी बेटा? गाद भरी हुई थी। और जब हम दो चीजों को कंप्रेस करते हैं तो बीच वाला हिस्सा जो होता है वो ऊपर उठ जाता है। जब ये भारतीय प्लेट इधर की ओर बढ़ी तो उसने इस गाद को दबाया और गाद ऊपर की ओर उठ गई और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो हिमालय पर्वत के निर्माण को ये भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट की ओर मूव करती है तो टेथिस सागर के अवसादों के कारण या अवसादों से, टेथिस सागर के अवसादों से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। तो चाहे तो ये दो पॉइंट लिख लो, अब मैं लिखवा रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर गति प्राप्त करती है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर गति प्राप्त करती है, और इन दोनों भूखंडों के बीच में, और इन दो भूखंडों के बीच में टेथिस सागर पाया जाता है।
भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की ओर गति करने पर टेथिस सागर के अवसादों में बले पैदा हो जाते हैं और एक पर्वत का निर्माण होता है जिसे हिमालय पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत एक नवीन बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स एक नवीन बलित पर्वत है। अर्थात हिमालय पर्वत में बले पाए जाते हैं, हिमालय पर्वत में बले पाए जाते हैं, सही है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय की या उत्तर के पर्वतीय भाग के, तो हेडिंग दीजिएगा उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। देखो हिमालय जो पर्वत है बेटा वो तीन हिस्सों में या तीन बलों के द्वारा निर्मित है, तीन से। एक तो है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय और तीसरा हिस्सा बेटा पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, इसमें तीन हिस्से हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और तीसरा जास्कर, तीन श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय की बात करें तो इसके भी तीन हिमालय बनते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय भागों को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, अब इनके हिमालय के पार्ट को हम एक एक कर पढ़ेंगे और एक एक कर जानेंगे। ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, लद्दाख की बात करेंगे, जास्कर की बात करेंगे, हिमालय में महान हिमालय की, मध्य हिमालय की और शिवालिक श्रेणी की बात करेंगे। तो एक चित्र के माध्यम से ये चीज पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हिमालय का या क्षेत्रों का विभाजन मैं करता हूं। सबसे पहले यहां पाई जाती है बेटा कुनलुन की पहाड़ी, कुनलुन की पहाड़ियों के बाद तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार के बाद फिर शुरू होती है हिमालय की श्रेणियां, यानी कि कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद शुरू होता है ये सब महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की श्रेणी। इनके बाद नीचे उतरते हैं और शुरू होता है उत्तर का विशाल मैदान। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो शुरू होता है प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर हैं तटीय मैदान और फिर पानी के अंदर हैं द्वीप समूह।
तो इस तरह पूरा हिस्से का हम लोगों ने विभाजन कर लिया और चीजें देख ली। अब बस इनके नाम लिखते हैं और फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका कुनलून की पहाड़ी। ये रहा तिब्बत का पठार, तिब्बत का। बात कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बांका, हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, उसके बाद नीचे का हिस्सा ये बनेगा उत्तर का विशाल मैदान। उसका प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर किनारे पर होंगे तटीय मैदान। मैं रेड पेन से बना देता हूँ जिसे समझने में आसान रहे। यहाँ पर ये हुए तटीय में, ठीक है। उसके बाद द्वीप समूह, ठीक है। तो कुनलून की पहाड़ियाँ, के बाद तिब्बत का पठार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर मध्य हिमालय, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी, फिर उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और फिर समूह। अब हम लोग धीरे धीरे कर कर एक दो चीज़ें समझेंगे और फिर चलेंगे। सबसे पहली बात तो जो हिमालय का पर्वत है हमारा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार पाया जाता है। पहली बात, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है नागटम्बा या नामचा बर्मा। नामचा बर्मा तक ये आपका इसका विस्तार पाया जाता है हिमालय, ठीक है। हिमालय से, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा तक लगभग 2500 किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसकी जो चौड़ाई है बेटा, वो पश्चिमी भाग में ज़्यादा है और पूर्वी भाग में कम है। इसलिए पूर्वी भाग में पहाड़ की जो चोटियाँ हैं वो ज़्यादा ऊँची हैं और पश्चिमी भाग में कम है। तो चाहे तो एक दो पॉइंट इसमें लिख लो यहाँ पर, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। देखिए, हिमालय का विस्तार हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, तक है, ठीक है। पश्चिम में चौड़ाई अधिक,
और पूर्व में चौड़ाई कम। यही कारण है कि जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वो पूर्व की ओर प्राप्त होती हैं, पश्चिम में कम ऊंची चोटी है। यही कारण है यही कारण है चोटियों की ऊंचाई चोटियों पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक है। तो पश्चिम की तुलना में पूर्व में चोटियों की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके विभिन्न हिस्से हैं, उसके बाद उस हिस्से को क्या कहा जाता है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा यहाँ पर बनता है हमारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद फिर महान हिमालय, महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद शिवालिक की श्रेणी। अगर हम लोग इसी तरह बंटवारा देखें तो सबसे पहले ऊपर की ओर ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के पश्चात महान हिमालय शुरू होता है, महान हिमालय के बाद फिर मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद शिवालिक की श्रेणी। ठीक है, यानी कि ये रहा आपका ट्रांस हिमालय, ये रहा आपका महान हिमालय, मध्य हिमालय, और इसमें शिवालिक की श्रेणी। ठीक है, ये है परतें। अब इसमें कुछ विभाजन है, जैसे ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक विभाजन रेखा है, उसी प्रकार मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में रेखा है, उसी प्रकार एक रेखा मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। ठीक है, और इसके अलावा एक उत्तर के मैदान के बीच में भी विभाजक, ये जो विभाजक लाइन है जो ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के होकर गुजरती है, इसका नाम है ITSZ, ITSZ, इंडो सांगपो या इंडस सांगपो सचर जॉन, इंडस सांगपो सचर जॉन, मैं लिख देता हूँ इंडस सांगपो, टी से शुरू होता है सांगपो सचर जॉन, सचर जॉन। प्रश्न पूछा जाता है ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सी लाइन दो भागों में विभाजित करती है, तो इंडस सांगपो सचर जॉन। उसके बाद महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच मेन कंट्रोल थ्रस्ट, कंट्रोल थ्रस्ट,
किसमें है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की बात करें तो यह मेन बाउंड्री फॉल्ट। फॉल्ट ठीक है, ये शिवालिक और मध्य हिमालय की, शिवालिक और उत्तर के मैदान के बीच में हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक है बेटा, तो ये कुछ विभाजक लाइन है कुछ पर्वतों के बीच में। छोटी छोटी क्लास लेंगे जिससे कि आप लोग भी ज़्यादा परेशान ना हो सकें। तो आज की कक्षा हम लोग यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिमालय का विस्तृत अध्ययन करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।